हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या गिवन है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें अगर आपकी हल्की सी गलती लग गई वहीं पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी मैट्रिक्स को, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ऐड कीजिए एक्स प्लस फोर, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एंड टू डब्ल्यू प्लस थ्री। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, 3x x इधर ले आइए, माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, 2x इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर बाई टू, एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब एक्स टू यहाँ पे देखिए 3y इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, y इधर ले आइए, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स कितना है टू, 2y इज इक्वल टू एट, y इज इक्वल टू एट बाई टू, y इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद देखिए z और w दो टर्म्स आगे, तो पहले ये कर लेते हैं 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 3। अब ये कर लीजिए 3z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, माइनस जेड इधर ले आइए, 3z माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू कित 3z माइनस जेड 2z, माइनस वन प्लस डब्ल्यू कितना है 3, 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 बाई 2, z इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास x, y, z और w की वैल्यूज निकल कर आ गई।